जिसका जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसका कंटेंट है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ आईपीआर, और जो मेन टॉपिक है हमारा वो है पर्स्यूड टू सिक्योर कंपनी आईपीआर। ओके, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सबसे पहले मैं इस स्लाइड पर देती हूँ, जो कि ह्यूमन बीइंग आर डायग्नोस्ड फ्रॉम एनिमल ड्यू टू इंटेलेक्चुअलनेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू क्रिएशन ऑफ द माइंड, इनोवेशन, लिटरेसी एंड आर्टिस्ट वर्क एंड सिंबल, नेम्स, इमेज एंड डिज़ाइन यूज्ड इन कॉमर्स। मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो अधिकार होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के माइंड में जो कोई इनोवेशन, नया पन, कोई नया आइडिया जो क्रिएट करते हैं, या कोई लिटरेसी, कोई किताब लिखते हैं, या कोई आर्टिस्ट वर्क, जैसे कोई पेंटर है पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, कोई सिंबल है, या कोई नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कुछ डिज़ाइन करते हैं जैसे कार डिज़ाइन या घर के डिज़ाइन, तो इस तरह के जो ये आइडियाज़ है उसका जो श्रेय है ये सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने इसका जो है वो आविष्कार किया है, तो हम उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट इज द मेंट बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? द लीगल राइट ऑफ आईपीआर हैज आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के लिए जो है वो आईपीआर का जो अधिकार है वो होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल बल्कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एज ओनरशिप एंड ट्रांजेक्शन्स इन अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इज़ गवर्नमेंट बाई लॉ। ओके, वाई टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है, क्यों यह ज़रूरत है? बिकॉज कंपनीज एंड इंडिविजुअल एक्सपेंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टाइम, एनर्जी एंड मनी इन टू कंसेप्चुएशंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सर्विस, एंड दे हैव अ राइट एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जो कंपनीज होती है या जो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा, टाइम और जो एनर्जी है उसमें अपने प्रोडक्शन में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको ये अधिकार है कि कम से कम जो काम उन्होंने किया है उसका श्रेय जो है वो उनको मिले, चाहे कुछ एक टाइम के लिए क्यों ना हो। सो ऑथर एंड इनोवेटर हैव अ राइट टू बी अ प्रोडक्ट फॉर देयर इफेक्ट, ताकि जो ऑथर और इन्वेंटर है वो जो उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जो एफर्ट है, जो उनके अपने एफर्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्शन स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्टिविटी। ये प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्टिविटी के लिए या किसी नए क्रिएटिविटी के लिए या नयापन लाने के लिए। कम्पिटिटिवनेस एंड नेशनल इकोनॉमी डेवलपमेंट, नेशनल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए भी जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? आईपीआर गिव क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट टू देयर क्रिएशन। आईपीआर जो है वो क्रिएटर को एक अधिकार देता है कुछ जो है वो क्रिएट करने का। देयर वे प्रोवाइडिंग एंड द इंसेंटिव फॉर द ऑथर एंड इनोवेटर टू डिवेल्प एंड शेयर द इंफॉर्मेशन रेदर देन कीप इट सीक्रेट। या तो वो जो अपने आइडिया है उनको डिवेल्प कर सकता है, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कीप इट सीक्रेट, इसको सीक्रेट भी रख सकता है, हाइड करके भी रख सकता है। कैरिड आउट रिसर्च एंड डिवेल्प
development activity for development and protection of IPR. Importance of IPR. IPR की जो है वो importance क्या है? Prevent duplications of work. ये जो है वो duplicacy को जो है वो रोकता है, तो इसलिए IPR ज़रूरी है. Help researcher to focus on commercially relevant researcher. जो researcher है जो कि खोज करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसको जो है वो फोकस करते हैं कमर्शियली, यानी कि कुछ पैसा वगैरह कमाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी जो है वो ये IPR बहुत महत्वपूर्ण है. प्रिवेंट एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर. प्रिवेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड हेल्प अवॉइड लिटिगेशंस. Stimulate creativity. Next है types of IPR. IPR जो है वो कितने प्रकार की होती है? First है industrial property, दूसरा है copyrights और तीसरा है geographical indications. तो industrial property जो है उसमें आते हैं patent, trademark, industrial design and कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो वो जो है पेटेंट एक्ट में हम कर सकते हैं. जैसे कोरोना की अभी तक दवाई तैयार नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसकी दवा बना देता है तो उसको जो है इस पेटेंट में जाके आप खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि ये वाला जो दवाई है तो ये उसने बनाई है. दूसरा इसमें आता है प्रोसेस. प्रोसेस में उस दवाई को बनाने का जो तरीका है, अगर कोई व्यक्ति उस तरीके का जो है शॉर्टकट में बनाता है या कोई नया कुछ उसमें करता है, तो वो भी जो है वो प्रोसेस करने वाला व्यक्ति भी खुद को जो है वो पेटेंट में, पेटेंट एक्ट में खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क में किसी नेम या सिंबल या कॉम्बिनेशन, वर्ड और नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है, तो उसको जो है पेटेंट एक्ट में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई ऐसा सिंबल जो कि आपको किसी प्रोडक्ट को पहचानने में जो है वो मदद करता है, उस वो आता है ट्रेडमार्क में. जैसे एप्पल का जो है वो लैपटॉप है, उससे हम उसका लोगो देख के ही हम पहचान जाते हैं कि ये जो है वो एप्पल का जो है वो आईफोन है या लैपटॉप है. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है नेक्स्ट, जिसमें कि मान लो आप कोई कार का डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जाके आप खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. कॉपीराइट में आते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है या कोई पेंटर है पेंटिंग बनाई है, तो उसने उसको उस चीज़ के कॉपीराइट लेने होंगे. जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आते हैं जैसे उस पर्टिकुलर एरिया से कोई चीज़ फेमस हुई हो, तो उसका जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन में, इंडिकेशन एक्ट में उस एरिया का जो है वो पेटेंट ले सकते हैं. जैसे आगरा का पेठा, नूरपुर के नागपुर के संतरे, कश्मीर का एप्पल और बेंगलोर का रसगुल्ला, ये सब चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर उस एरिया को जो है वो इंडिकेट करती हैं. तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो भी इसका पेटेंट भी जो है वो ले सकते हैं. इंडिया में जो है वो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ये सब जो है वो अभी IPR चल रहे हैं.
तो हमारा जो टॉपिक है वो है परस्यू टू सिक्योर कंपनी आईपीआर। जो कंपनी की आईपीआर है हम उसको किस तरह से जो है वो सिक्योर कर सकते। क्रिएट एग्रीमेंट पॉलिसीज प्रोसीज्ड एंड रिकॉर्ड टू इस्टेब्लिश एंड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा और दस्तावेज स्थापित करने के लिए समझौते नीतियां और प्रक्रिया रिकॉर्ड बनाना कि कोई भी जो है वो आपके दस्तावेज को कोई और कॉपी ना कर सके, इसके लिए जो है नीतियां तैयार करना और रिकॉर्ड बना के रखना। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियली मेजर। ऐसे फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी जो है वो रखना जिससे कि आपके जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको कोई भी जो है वो आसानी से चुरा ना सके और आसानी से कोई कॉपी ना कर सके। असेसिंग रिस्क टू आइडेंटिफाई एंड प्योरिटाइज ट्रेड सीक्रेट वॉलंटियर्स। Assessing risk to identify and prioritize trade secret vulnerabilities, मतलब व्यापार गुप्त कमजोरियों को पहचानना और प्राथमिकता देने के लिए जोखिम का आकलन करना कि जो कोई कमजोरियां हैं उनको सीक्रेट जो है वो उनको उनको संभाल के जो है वो रखना ट्रेड सीक्रेट। नेक्स्ट है establishing due diligence and ongoing third party management pursued, उचित परीक्षण और तीसरे पक्ष की जो प्रबंधन प्रक्रिया है उनकी स्थापना करना। instituting and information protection team, सुरक्षा सूचना और सुरक्षा दल का जो है वो गठन करना, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन टीम का जो है वो गठन करना जिससे कि जो है आपके आईपीआर जो है वो सुरक्षित रख सके रह सके, आपके जो आइडियाज़ है या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कोई उसका उसकी प्रोटेक्शन टीम का जो है वो निर्माण करना। ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग विद एम्प्लॉयज़ एंड थर्ड पार्टीज़, कर्मचारियों और जो तीसरा पक्ष है उसके साथ प्रशिक्षण और क्षमता जो है वो निर्माण करना। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग कॉरपोरेट इफेक्ट, कॉरपोरेट प्रयासों की जो है वो निगरानी और मापदंड अपनाना, मतलब कि कॉरपोरेट इफेक्ट जो है वो उसमें डालना। लास्ट है टेकिंग कोरेक्टिविटी एक्शन एंड कंटिन्यूली इम्प्रूविंग पॉलिसीज एंड प्रोड्यूस, मतलब कि उस सुधारात्मक कार्यवाही जो है वो उसको करते रहना और नीतियों में जो है वो कुछ नयापन लाते रहना ताकि जो आपकी क्रिएटिविटी है या आपकी जो आइडिया है उसमें और सुधार जो है वो होता रहे। धन्यवाद।